हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रील्स। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट इस वीडियो की, तो ले आए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आपके क्या बनता है, लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर दीजिए। फौरन कर दो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रील्स है तो मजा आने वाले, क्योंकि वो शास्त्री जी है और देखते मजा आने वाले। हमें क्या देखने को मिलता है इनका? तुम्हें सौगंध है गौ माता की, तुम्हें सौगंध है सनातन धर्म की। अगर तुम गौ माता को माता कहते हो तो या तो आज के बाद माता कहना बंद कर देना, अथवा दमोह जिले में कसाइयों की दुकान समग्र हो विचार नीति धर्म आचार। इस विचार आपकी माता जी भी आती है आपको सुनने के लिए? हाँ, कथा जब करते हैं। माँ तो माँ होती है, माँ की तो ममता होती है। हमारी माँ ने हमारे पीछे बहुत संघर्ष किया, रामचरितमानस हमें पढ़वाई। आज भी हम दुख है हमें, क्योंकि हम अपनी माँ को इसी गांव में रहकर गुरु सेवा के कारण हम अपनी समाज सेवा करते हैं तो मिलने नहीं जा पाते हैं। तो एक दो दिन में वही कभी कड़ी बनाकर, कभी रोटी बनाकर, कभी अच्छी सी चाय बनाकर, ले बेटा खा, कम बोलना, गला बैठ जाएगा, सोया कर, आँखें मर जाती। माँ तो माँ होती है, कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, माँ के लिए तो वही ममता, वही वात्सल्य होता है। वो बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं। हमारी माँ ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ है, पर ये आपकी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, पर हमारी माँ दिल की पढ़ाई पढ़े। हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। तो आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा? महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघविंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया। ठीक से बैठो, नजदीक आओ। कहाँ से आए? गाजियाबाद से गुरु। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने MBA किया है। 4 साल MBA? आप नहीं मानते कि कोई पहले से लिख सके? नहीं, विश्वास नहीं होता है मतलब। वाह, पेट में पीड़ा बनी है, वंश वृद्धि हो जाएगी, कृपा होगी, कोख बंधन है, संतान अर्जी है, रोजगार भी 2019 से बंद पड़ रहा, चौकी विद्या के कारण पितृ दोष भी है, 29 मार्च 2025 तक मनोरथ पूर्ण होगा, संतान का आशीर्वाद है। यही लिखा? बिल्कुल सही। अच्छा, यही बोल रहा? बिल्कुल सही। आपने क्या पढ़ाई की है? MBA 4। अब धरी की धरी रह गई। बिल्कुल सही बात है। तो जी हमने BTech किया और इन्होंने MBA 4, दोनों टेक्निकल। दोनों टेक्निकल, लेकिन ये थे सब टेक्निकल फेल। सब फेल हो गया। आपने डॉक्टरी इलाज लेने का स्वयं ने विचार किया, पूर्व में चेकअप भी करवाया, दो दिक्कतें बताई गई हैं। ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले पहले नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिता जी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है, इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है, तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे।
बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, तो राम राम बोलने में कैसी शर्म। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत बढ़िया वीडियो थी और काफी कमाल, काफी कमाल के मतलब स्टेप्स थे। और बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्ड्स बोलते हैं और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी लगते हैं। और मतलब कि कोई किसी को ये होता है ना, कोई चीट कर रहे हैं तो किसी पैसा लेते हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं लेते, फ्री में सब कुछ करते हैं, बच्चियों की शादियां करवाते हैं, खाना फ्री में देते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो आप भी कमेंट करके बताना आप लोग इनके दरबार पे अभी तक गए हो कि नहीं, लाजमी बता। किसी ने कमेंट करके बताया था किसी ने, हम गए हुए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप जाना चाहोगे इनके पास? जरूर यार, अब जाना चाहेंगे और हम अपने बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ना जब आप अपने बारे में बताएंगे ना, ये फिर होगा यकीन यार, कैसे बताते हैं यार ये, है ना, वरना कोई यकीन नहीं कर पाता, वरना कोई यकीन नहीं कर पाता। तो आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।